पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किन्नर समाज की संख्या वोटर लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में राज्य में सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि 2014 में पुरुष मतदाता और महिला मतदाता और तीसरे पक्ष यानी कि किन्नर समाज के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की गई थी। अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ठाणे जिले में तीनों लोकसभा चुनाव के इलाके में 1,288 तृतीय पक्ष यानी कि किन्नरों के नाम वोटिंग लिस्ट में दर्ज है। बताया जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार संख्या दुगनी है। किन्नर समाज की रूपा बेलेकर ने बताया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार किन्नर समाज को वोट देने का अधिकार मिला था और अब किन्नर समाज में जागरूकता भी फैल रही है और वोटिंग करने की संख्या भी किन्नर समाज में बढ़ रही है और अपने अधिकारों के लिए ये आगे भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में 2014 में 918 मतदाता रजिस्टर किए गए थे और 2019 में संख्या बढ़कर 2086 और इस बार 4 अप्रैल 2023 तक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 5,617 थर्ड पार्टी वोटर। इस बार किन्नर मतदाताओं की संख्या ठाणे जिले में जो दर्ज की गई है 1,288 और मुंबई उपनगरों में 812 और पुणे में 726 पंजीकृत किए गए हैं। वोट देने के अधिकार और उस अधिकार का सही इस्तेमाल किन्नर समाज अब कर रहा है और लोगों को भी वोट देने में किन्नर समाज जागरूक कर रहा है ताकि लोग भी जाकर सही तरीके से अपना मतदान कर सके। किन्नर समाज की रूपा बेलेकर और अर्चना कदम डिप्टी कलेक्टर ठाणे जिला ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। जो भी सरकार ने हमें अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए हम पहली बात तो सरकार का धन्यवाद करते हैं और ये 20 तारीख को वोटिंग का ये है तो हमें फिर से एक मौका मिला है कि हम जाके वोटिंग करें। हमारा जो मूल्यवान वोट है वो मूल्यवान इंसान को दे ताकि वो भविष्य में हमारे लिए कुछ और अच्छा करे। इसके लिए मैं सरकार को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और मेरे समाज के जो भी भाई बहन हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी आगे आए और वोटिंग करे और अपना जो मूल अधिकार है वो फिर से सरकार के पास से और ले। जो उन्होंने किया है वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही है लेकिन और हम चाहते कि और कुछ करें ताकि हमारे जो भविष्य में आने वाले जो है पीढ़ी उनको आगे कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से लोग हाँ मैं ज़रूर कहूँगी मेरी जो भी बहन रह चुकी है उन जिन्होंने किया नहीं है और ये जो फ़ायदा है कि उनका ही फ़ायदा ही है क्यों उनको भी समाज को भी पता चलेगा तो जो भी आगे जो फैसिलिटी मिलने वाली वो उनको भी मिल सकेंगी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं लेंगे तो उसका मतलब नहीं है। तो ये मैं उनको चाहती कि उन्होंने ये फ़ायदा लेना चाहिए और भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को भी कुछ अपने लिए करना चाहिए ये दिखाना है। सरकार जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक हमारे लिए कुछ नहीं करेगी तो यही मेरे भाई बहनों को यही कहना है कि आप आगे आइए ताकि आपके लिए कुछ करें उनको भी मौका मिले और जैसा अब भी कर रहे हैं तो आगे भी भविष्य में और कुछ करेंगे आपके लिए। धन्यवाद। ठाणे ज़िले में लास्ट 3 ईयर से हम लोग तृतीय पंथी जो मतदार है उनको रजिस्टर करने की एक मुहिम ले ली थी उसकी वजह से
पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा तृतीयपंथी थाने जिले में रजिस्टर है 1288, और वो सब मतदान केंद्र पे आके उनका अधिकार मतदान का अधिकार बजाने वाले हैं, और वो सब करने के लिए हम लोग उनको आह्वान कर रहे हैं। जो तृतीयपंथी अपने मतदान यादी में रजिस्टर है उनको हम आह्वान करते हैं कि जो लोगों से मिलते हैं उन्हें भी मतदान करने के लिए उन्होंने मतदान केंद्र पे जाने के लिए बोलना चाहिए, और जो नव मतदार है उन्होंने उनको भी बोलना चाहिए कि आके मतदान केंद्र पे मतदान कीजिए करके। ये 20 तारीख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो दिन कोई छुट्टी नहीं लेना चाहिए। 20 मई